बुधवार को मनाए गए राजस्थान दिवस में राजस्थान के गौरव को दिग्दर्शित करती कई प्रस्तुतियों ने रंगीले राजस्थान की संस्कृति को जीवंत कर दिया। राजस्थानी कलाकारों ने जवाहर रंगमंच पर सांस्कृतिक संध्या के दौरान राजस्थानी छटा बिखेरी तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सांस्कृतिक संध्या का जिला कलेक्टर आरुषि मलिक, संभागीय आयुक्त हनुमान साय मीणा, एडी अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा, निगम आयुक्त प्रियव्रत पांड्या ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी द्वारा अपने देशी विदेशी शिष्यों के साथ पारंपरिक नगाड़ा वादन की प्रस्तुतियों से राजस्थान दिवस समारोह का आगाज हुआ। इसके बाद राजस्थान की परंपरागत कला पादरला पाली की गंगा देवी द्वारा तेरा ताली नृत्य, शंखवास नागौर के श्रवण कुमार का मशक वादन, किशनगढ़ के वीरेंद्र सिंह गौड़ का चरी नृत्य, अजमेर की पूजा कुमारी का भवई नृत्य और कल्याणनाथ पार्टी का कालबेलिया नृत्य सराहा गया। वहीं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पहाड़गंज की छात्राओं द्वारा केसरिया बालम, सावित्री स्कूल की छात्राओं द्वारा धरती धोरारी, संस्कार स्कूल की छात्राओं द्वारा अलगोजा और क्रिश्चियनगंज राजकीय स्कूल की छात्राओं द्वारा चंग रसिया नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। संपूर्ण राजस्थान के अंदर अलग अलग जगह अलग अलग कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। अजमेर में भी आज अभी इससे सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। आज शाम को आतिशबाजी का भी कार्यक्रम था। पुष्कर के अंदर बड़ी आरती का आयोजन था। इस तरह से विभिन्न अपनी सांस्कृतिक के अनुरूप अपनी संस्कृति के अनुरूप ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है बहुत ही बढ़िया और एक अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं हर आदमी।
इससे पूर्व राजस्थान दिवस के अवसर पर बजरंगगढ़ चौराहे स्थित विजय स्मारक पर देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम की धुनों को बैंड पर बजाया गया तो राहगीरों ने रुककर इसकी प्रशंसा की। बैंड वादन में राजस्थान पुलिस, गुरुकुल स्कूल, सेंट स्टीफन स्कूल के बैंड वादकों ने कौमी तराने छेड़े। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में शहीद स्मारक में प्रशासन की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से, पर्यटन विभाग की ओर से आज ये बैंड वादन और इसका प्रस्तुतिकरण किया गया है। इसमें सीआरपीएफ और पुलिस बैंड और गुरुकुल स्कूल विद्यालय और स्टीफन स्कूल के ये विभिन्न बच्चे और विभिन्न बैंड वादक राष्ट्र धुन और राजस्थान की परंपरा से धुन बजाकर शहीद स्मारक पर आज ये प्रस्तुति दे रहे हैं। आखिर में देर रात आनासागर टापू पर आतिशबाजी का आयोजन किया गया जिसे निहारने बड़ी संख्या में अजमेराइट्स चौपाटी पर जमा हुए। साथ ही जिला कलेक्टर आरुषि मलिक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। मतलब मजा नहीं आ रहा, नजर तो आ रहे राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को नगरपालिका बोर्ड और भाजपा मंडल की ओर से मुख्य गौघाट पर पुष्कर सरोवर की महाआरती की गई। महाआरती कर भाजपाइयों ने प्रदेश की खुशहाली और जनकल्याणकारी योजनाओं की सफलता के लिए कामना की। इससे पूर्व गौघाट सहित सरोवर के प्रमुख घाटों पर दीपदान भी किया गया। पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी सहित कई भाजपाइयों ने सरोवर का अभिषेक किया। राजस्थान दिवस के ऊपर तीर्थराज पुष्कर में जो ब्रह्मा का बनाया हुआ तीर्थ और ब्रह्मा जहां स्वयं प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा ने जहां यज्ञ किया है, ब्रह्मा ने जहां तप किया है, उस सरोवर के किनारे पर ये दिव्य भव्य आरती का आयोजन किया गया है। ये आरती पुष्कर राज राजस्थान के मंगलमय और इसके विकासमय जीवन के लिए बनी रहे। आज राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में नगर पालिका पुष्कर, भाजपा मंडल पुष्कर के द्वारा सामूहिक पुष्कर राज सरोवर की आरती का आयोजन किया गया और राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई गई जन उपयोगी योजनाओं के बारे के अंदर और जो भी राजस्थान में चल रहा है वो सभी मंगल हो, यही कामना की।